राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे 1 से 2 ईयर बच्ची के लिए, जैसे मैंने दिखाया है इसमें बेबी फ्रॉक बनाई है। आज हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे, काफ़ी ही सुंदर लगती है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम ये फ्रॉक किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक बनाने के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा कट कर लिया है। ये 4 फोल्ड है, देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3 और 4, 4 फोल्ड ये कपड़ा है। इसको हमने सीधा रखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये कपड़ा ले लिया है जिससे कि हम 2 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमें, देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी हम विड्थ लेंगे वो 8.5 इंचेस लेंगे और जो इसकी लेंथ है वो हम 9 इंचेस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने लेंथ ली है वो 9 इंचेस ली है, जो विड्थ है वो हमने 8.5 इंच ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले आर्म होल्स बनाने हैं। आर्म होल्स बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम रखेंगे और 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद जो शोल्डर है हम वो भी 4.5 इंच पे ही रखेंगे, तो यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया। अब हम देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस रेखा को सीधा इस तरह से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मिला दिया, इधर से इस वाली रेखा को सीधा मिला देंगे। इस तरह से आर्म होल और शोल्डर का निशान लगा दिया। अब हम इसे कटाई देंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, गोल कटाई दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, गोलाई हमने इसको दे दी है जिससे कि बाजू की गोलाई आ जाएगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसका नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करना है हमें, जो हमने इसकी विड्थ लेनी है वो तो 2 इंचेस लेनी है और जो इसका गला बनाना है वो हमें डीप बनाना है, तो हम 3 इंचेस इसकी गला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 इंच का हमने ये गला ले लिया। अब हम इसे गोलाई के अंदर इसकी दोनों रेखाओं को मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गोलाई के अंदर गले का निशान भी लगा दिया है। अब हमें चेस्ट लेनी है, तो हम चेस्ट लेंगे जो हम अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग लेंगे। तो जिस बच्ची के लिए बनाएंगे उस बच्ची के साइज की चेस्ट साइज लेंगे। तो मैंने जिस बच्ची के लिए बनाना है उसकी साइज चार्ट है 7। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 7 पे निशान लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस पे 7 इंचेस पे हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से 7 इंचेस पे हमें निशान लगाना है और जो उसकी कमर है वो हम 7.5 लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 7.5 ले लेंगे और इस रेखा से इस तरह से इसे मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा गला भी कट हो जाएगा, शोल्डर भी और चेस्ट साइड भी। अब हम इसे पार्ट को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कट करना बताती हूँ किस तरह से कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये निशान बना दिया, हम इस निशान को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वहां से हमने कट कर दिया, अब हम गला कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये ऊपर की चोली कट कर ली है फ्रॉक की। अब मैं आपको इसको सीधा करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से हमारी ये चोली कट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट, इस तरह से 2 पार्ट कट हो गए हैं। सेम ही हमें कट करने हैं। हमें क्या करना है, एक फैब्रिक हम इस तरह से लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसके बीचों बीच यहाँ पर 2 इंचेस पर निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 इंचेस पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इस रेखा को इस तरह से सीधा कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी हम इस चीज को हम कट कर देंगे। ये जो हमारा बीच का पार्ट है हम इसे कट करेंगे। ये जो हमारा बैक साइड का पार्ट होता है हमने ये कट किया है। यहाँ पर हम इस जगह पर हुक लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी के पीछे से हमने कट कर दिया कि गला आसानी से निकले, इसलिए हमने ये पीछे के पार्ट में ये कट कर दिया है। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया, ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी जो नीचे वाला घेरा है वो किस तरह से कट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉटन का एक कपड़ा कट कर लिया है। जैसे हमने चोली कट की थी वैसा ही हमने सेम एक फैब्रिक कट किया है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो है ये जो मैंने कपड़ा किया है इसकी लेंथ और विड्थ मैंने सेम ही रखी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 31 इंच लेंथ रखी है और 31 इंच ही इसकी विड्थ रखी है। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमें डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे और इस तरह से अब हमारे पास ये फैब्रिक इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस फैब्रिक को फोर फोल्ड कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड और फोर्थ फोल्ड। तो मैंने फोर फोल्ड इस फैब्रिक को कट कर दिए। इसे हम बराबर कर लेंगे बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे बराबर रखेंगे जिससे कि ये कटाई अच्छी आए इसकी। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये फोल्डेड साइड है वो दूसरी साइड कर दी है, और ये जो ओपन साइड है हमने इस तरह से रख लिया। तो हम ओपन साइड को इस तरह से करेंगे और फोल्डेड साइड अपनी तरफ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फोल्डेड साइड है वो अपनी तरफ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चोली कट की थी हम ये ले लेंगे। इसकी देखिए फ्रेंड्स, जो हमने वेस्ट की साइज रखनी है वो हमने 5.5 इंचेस रखनी है फिटिंग इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने फिटिंग रखनी है वो 5.5 इंचेस रखनी है। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम अब इस फैब्रिक को इसके बराबर, जो हमने ये फोर फोल्ड वाला लिया है इसका बीच का पार्ट जो, हम इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें इसको अटैच करना है, तो हम निशान लगाएंगे 3 इंचेस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ हम 1 इंच लगा देंगे, फिर इसको वापिस करेंगे 3 इंचेस पे इस तरह से, और फिर इसको 3 इंचेस पे करेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निशान हो गया। इसको हम इस तरह से गोल राउंड दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको गोल राउंड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये जो फिटिंग लगाई थी हम इस जगह को यहाँ पर अटैच करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने फैब्रिक लिया है इसकी हम लेंथ चेक करेंगे। हमारे पास आगे लेंथ कितनी बची है, तो हमारे पास 13 इंचेस इसकी लेंथ बची है, तो हम इसे 12.5 रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम 12.5 इंचेस इसकी लेंथ रखेंगे। तो हम इस पे निशान लगाएंगे इसी तरह से 12.5 इंच पे। तो इसी तरह से हमें आगे करना है यहाँ पर रखते हुए। देखिए फ्रेंड्स, 12.5 इंच पे रखते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरह से हम पूरे राउंड पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैंने ये पार्ट को निशान लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड शेप में लगाते हुए इसका पूरा पार्ट पे निशान लगा दिया, और यहाँ भी। अब हम इसे यहाँ से भी कट करेंगे और यहाँ से भी कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें कट किस तरह से करना है, ये जो हमारी गोलाई है सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस गोलाई को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये गोलाई कट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये गोलाई कट कर दी है। अब हमें इस राउंड का शेप को कट करना है, तो हम राउंड की शेप को इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये राउंड की शेप कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये कट कर दिया है। तो इस तरह से अब हम इस कपड़े को खोल लेंगे, और इस तरह से ये जो हमारी चोली की नीचे की स्कर्ट है वो बनकर रेडी है। अब मैं आपको उसको बताती हूँ हम किस तरह से इस फ्रॉक को स्टिच करेंगे। स्कर्ट रेडी हो गई है, ये ऊपर की चोली बन गई है। तो इस तरह से मैं आपको ये फ्रॉक को स्टिच करना बताती हूँ। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों कपड़ों को उल्टा रख लिया है। सीधा पार्ट मैंने अंदर की तरफ कर दिया है, और उल्टे पार्ट पर हम इस पे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इस दोनों मोड़ों को बराबर करेंगे और मोड़ों पर स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें स्टिच करना है। देखिए फ्रेंड्स, डबल स्टिच करते हैं हम, तो हम दोबारा से इस पर एक स्टिच और करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक साइड पे कर दिया है। अब हम दूसरे मोड़े पर भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। इसको भी इसी तरह से इस नीचे रखते हुए बराबर पर स्टिच करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से फिर से स्टिच करना है इस पे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड स्टिच हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया और इस तरह से अटैच कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फैब्रिक कट किया। अब हम पीछे का जो हमने पीस कट किया था यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। मैंने इस तरह से एक पीस कट कर लिया। इसका हम बैक साइड का पार्ट इसके ऊपर कट के ऊपर रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम सीधा ही रखेंगे। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है हम उसे आगे की तरफ रखेंगे, और ये जो हमारा पीछे का ये बैक का पार्ट है हम इसे रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो हमने पार्ट कट किया है सेम साइज का पार्ट इस तरह से कट किया है 2-2 इंचेस में रखते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको रखते हुए हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे ये वी शेप में। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच करके फिर दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये स्टिच कर दिया। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए पूरे के पूरे फैब्रिक को, और अब हम इस पर स्टिच लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ करना है और बीच में इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए हम ऊपर स्टिच लगा देंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैंने स्टिच लगा दिया है। अब अंदर की तरफ से भी देख सकते हैं, इसे हमने फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा दिया है। इस तरह से बैक का गला रेडी हो गया है। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने इसको गोल कट किया है, इसको हम सेट करेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, मैंने 1.5 इंच का एक कपड़ा कट कर लिया है। इस तरह से ये मैंने तिरछा कपड़ा कट किया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और इस जगह पर, यहाँ पर गले के चारों तरफ इस पे स्टिच करेंगे इस तरह से। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ किस तरह से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस गले के स्टिच करेंगे इसे। इस तरह से गोलाई में करते हुए हमें स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए हमें स्टिच करते जाना है गले के चारों तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से अब हमने स्टिच कर दिया। अब हम देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको इस तरह से सीधा करते हुए रखेंगे सारे फैब्रिक को, और इसके ऊपर अब हम इस पर स्टिच करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम गला बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वो हमारी इस ड्रेस का गला बन गया है। ये आगे का गला है और ये पीछे का गला है। पीछे हम यहाँ पर हुक अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड का गला रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इस बाजू को रेडी करना है। हम सेम इसी तरह से जैसे हमने गला रेडी किया है, उसी तरह से हम इस बाजू को भी रेडी कर लेंगे। इस पर भी हम पाइपिंग लगाएंगे। हमने 1.5 इंच का कपड़ा कट किया है। इस तरह से चारों तरफ पे यहाँ पे स्टिच लगाते हुए फिर इसको अंदर की तरफ जैसे हमने ये करके स्टिच लगाया था, इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू पर हम पाइपिंग लगाकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बाजू पर भी पाइपिंग लगा दी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। दोनों साइड्स पे भी देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे भी मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है। अब हम इसकी फिटिंग पर स्टिच करेंगे। इसकी जो हमने फिटिंग लगानी है, हम स्टिच करेंगे फिटिंग के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फिटिंग पे निशान लगाया है। इस तरह से रखते हुए हम अब इस पर स्टिच करेंगे। ये फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ। हम इसे उल्टा करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे रखते हुए इस पर फिटिंग पे यहाँ अब हम इसमें स्टिच करेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ से फिटिंग पर निशान लगा दिया। अब हम इस पर स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें ये स्टिच करना है। इसी तरह से अब हम इसको एक स्टिच और कर देंगे और पक्का कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, दो बार हमें स्टिच करना है। और इधर से भी हम इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे बराबर रखते हुए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको भी हम बराबर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बराबर करते हुए फिटिंग का स्टिच लगाते हुए मैं आपको स्टिच लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग कर दी, उसके बाद मैंने इसको सीधा भी कर दिया है। और इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इस तरह से अब हमारी ये जो ऊपर की चोली होती है ये बन गई है। अब हम नीचे स्कर्ट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्कर्ट का मैंने इस तरह से स्कर्ट का कपड़ा भी कट कर रखा है। ये मैंने आपको जिस तरह से बताया था, इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे से हमें फोल्ड करना है। आप इसे पीको भी करवा सकते हैं नीचे वाले पार्ट को, लेकिन हम इसे इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, डबल फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। ये फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच लगाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है नीचे से, और नीचे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर का पार्ट होगा, इसे हम ज्वाइन करना बताएंगे किस तरह से ज्वाइन करेंगे। पहले हम नीचे से स्टिच कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे से चारों तरफ पे स्टिच लगा दिया है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से अब हमारा ये स्टिच हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये अपनी चोली ले लेंगे जो हमने ऊपर से बनाई है। अब चोली और स्कर्ट को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी स्कर्ट है इसकी बैक साइड हमें लेनी है, उल्टा साइड हम ले लेंगे और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस घेरे को बराबर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये घेरा बराबर कर लिया है। अब हम इसी तरह से स्कर्ट लेंगे, हम इस स्कर्ट को भी देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चोली को भी उल्टा कर दिया है और स्कर्ट को भी। अब हमें क्या करना है, इस होल इस के अंदर चोली डाल देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चोली को हम अंदर की तरफ डाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इन दोनों कपड़ों को और चोली को बराबर हम इस तरह से पकड़ेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बराबर अब इस पे कर दिया है हमने। अब हम इसके चारों तरफ इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अंदर की तरफ हमने ये चोली कर दी है, ऊपर हमने इस तरह से स्कर्ट कर दिया बराबर। अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे दोनों पर। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है, तो ऊपर की जो चोली है वो स्कर्ट के साथ ज्वाइन हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब ये ज्वाइन हो गई है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक फ्लावर बनाना बताऊंगी जो हम अब इसके ऊपर लगाएंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिया है और इसके नीचे लटकन भी बना दिया है। अब इस पे फ्रॉक पे ज्वाइन कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ये ज्वाइन करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये फ्लावर अटैच कर दिया और इस तरह से अब हमारी फ्रॉक रेडी है। अब देखिए फ्रेंड्स, पीछे जो हमारा बैक है इस पे हम टिच बटन या हुक लगा लेते हैं और फिर मैं आपको ये ड्रेस को पहनाकर दिखाती हूँ बच्ची को, कि बच्ची पर किस तरह की ये ड्रेस लगेगी, फ्रॉक लगेगी। ये फ्रॉक अब मैं बच्ची को पहनाकर दिखाती हूँ और फिर देखते हैं किस तरह की ये लगती है हमारी बच्ची।